हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मसूड़े में सूजन और दर्द की दवाइयों के बारे में। यानी अगर आपके गम्स में इन्फ्लामेशन हो गया हो, साथ ही साथ इसमें पैन हो रहा हो यानी दर्द होता हो, तो इसको ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन को यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे वन बाई वन करके सभी मेडिसिन के बारे में। जो फर्स्ट नंबर मेडिसिन है ऑगमेंटिन 625 mg, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑगमेंटिन टैबलेट है। और इस टैबलेट का यूज का बात करें तो अगर आपके गम्स में यानी मसूड़े में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे इमेज के थ्रू आप देखेंगे क्या होता है, इसके अंदर पस भर जाता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और इस टैबलेट का डोज का बात करें तो एडल्ट पर्सन का जो डोज होता है 1 tablet BD, यानी दिन में 2 बार इस टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं, 1 tablet मॉर्निंग में और 1 tablet इवनिंग में। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंड नंबर मेडिसिन है टैबलेट 0 SP, इसका इमेज आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। और इस टैबलेट का यूज का बात करें तो यह एक प्रकार का क्या होता है, पेन किलर टैबलेट होता है। और पेन किलर टैबलेट का काम क्या होता है, ये आपके पेन को रिड्यूस करता है यानी दर्द को कम करता है। यानी अगर आपके मसूड़ों में पेन हो रहा हो यानी दर्द हो रहा हो, तो उसको कम करने के लिए आप इस 0 SP टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके भी डोज का बात करें तो एडल्ट पर्सन का भी सेम डोज होता है, यानी 1 tablet BD, यानी दिन में आप 2 बार इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। जैसे यहाँ पे देखेंगे टैबलेट ट्रेप्सिन, कीमोट्रेप्सिन, इमेज के थ्रू भी आप इजीली देख सकते हैं। और इस टैबलेट के यूज का बात करें तो ये क्या होता है, स्वेलिंग को कम करने के लिए यानी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। अगर आपके गम्स में क्या होता है, सूजन हो जाता है यानी पेन भी हो रहा होता हो, तो उसको कम करने के लिए इस ट्रेप्सिन कीमोट्रेप्सिन टैबलेट का यूज किया जाता है। और इसके डोज का बात करें तो ये एडल्ट पर्सन का डोज 1 tablet BD होता है, यानी दिन में 2 बार आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो फोर्थ नंबर मेडिसिन है टैबलेट रेनटेक 150 mg। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, जो ये रेनिटिडीन होता है, ये टैबलेट है, ये एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जब आप, बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जब आप उस मेडिसिन को यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पेट के अंदर क्या होता है, गैस जैसे बनने की समस्या होती है यानी एसिडिटी बनता है, तो उसको कम करने के लिए इस रेनटेक टैबलेट का यूज किया जाता है। और ये मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को लेने के लिए। और इस टैबलेट के डोज का बात करें तो आप बीडी इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर जो मेडिसिन है, बेटाडीन माउथ वाश। यानी माउथ वाश कहने का ये वर्ड से आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, कि जो आपके मतलब जो मुंह के अंदर क्या होता है, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया फिर, या फिर माउथ अल्सर होता है, यानी क्या होता है, मुँह में छाले पड़ जाते हैं, तो इन सभी समस्या को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए इस बेटाडीन माउथ वाश का यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये माउथ को आपको क्लिनजिंग करता है, यानी क्लीन रखता है, साफ रखने में भी हेल्प करता है, और आपके ब्रीथिंग भी क्या होता है, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। तो इस तरीके से आप इस बेटाडीन माउथ वाश की यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका, अगर आपको ज़्यादा मतलब हायर मात्रा में आपको क्या हो रहा है, पैन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको कौन से मेडिसिन को लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्शन का यूज किया जाता है, यानी जब दर्द ज़्यादा हो गया होता है या फिर ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपके गम्स के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर इंजेक्शन है डायलोना प्लस डेक्सोना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डाइक्लोफेनाक के, इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है। और डाइक्लोफेनाक का काम क्या होता है, ये आपको पेन को कम करता है, साथ ही साथ सूजन को भी यानी स्वेलिंग को कम करता है। अगर आपके जॉइंट में भी पेन हो, तो इस तरीके के जो भी दर्द होते हैं उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस डायलोना इंजेक्शन का यूज किया जाता है, यानी डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इसके साथ आप मोनोसेफ 1 gram इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, मोनोसेफ का वर्क क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करता है, ट्रीट करता है। यानी अगर आपके गम्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको भी ट्रीट करने में, ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गएंगे सभी मेडिसिन के बारे में। यानी अगर आपके मसूड़ों में सूजन या दर्द की समस्या हो, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।